जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जल्दी 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 मैं घर पे सॉरी सॉरी आराम से ध्यान से। हाँ आयुष। मामा एक प्रॉब्लम हो गया है। आपको पता है ना, हमने जो भी किया था सच्चे दिल से किया था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ऋषि ने भरोसा किया था मुझको, जिम्मेदारी दी थी मुझे, उसका नाम, बाबूजी की इज्जत, ओबेरॉय परिवार की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर है भगवान जी। प्लीज प्लीज उस पर कोई आंच मत आने दीजिए। मेरे साथ जो हो जाए ये परिवार पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हो गया यार, पता नहीं कैसे। मामा अब कोई आइडिया नहीं है। व्हाट? ओके, तू एक काम कर, तू लक्ष्मी को लेके वहां से निकल, फौरन निकल, जितनी जल्दी हो सके यहां आ जाना। मैं रितेश को वहां भेजता हूँ, वो सब संभाल लेगा। क्या बोल रहे हो मामा? यार यहाँ पर सब कुछ इतना क्योटिक हो गया मामा, सब लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हमारे गेस्ट ये फूड क्रिटिक्स भी यहीं पर है, सब कुछ छोड़ के मैं कैसे? बेटा मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रितेश आएगा ना वहाँ, वो संभाल लेगा, बस तुम दोनों वहाँ से निकलो। बट क्यों मामा? क्योंकि अभी तुम एक्सपीरियंस नहीं हो ऐसी क्राइसिस हैंडल करने के लिए। मैंने कहा रितेश आएगा ना, वो संभाल लेगा, बस तुम लोग वहाँ से निकलो। और सुनो, शायद तुम्हारे निकलने से पहले प्रेस आ जाएगी वहाँ, उनसे कुछ मत कहना, बस इतना कहना कि छानबीन चल रही है। ओके, डू नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, और जल्दी से निकलो यहाँ आ जाओ तुम लोग दोनों। ओके ओके मैम। वीर मराठा पेशवा जी, ओ जयकारा बाजी बाजी, वीर मराठा पेशवा जी। लोग कहते हैं बाजीराव बल्लाड़ अजय है, उसकी शौर्य गाथा दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है, लेकिन बाजीराव और उसके जैसे तमाम योद्धाओं के पराक्रम के पीछे एक और योद्धा है जो बिल्कुल खामोशी से अपना मोर्चा संभाल कर रखती है, घर का मोर्चा। जब भी हम घर से बाहर निकलते तो यही सोच कर निकलते कि वो होगी, वो संभाल लेगी, और वो यानी हमारी पत्नी, आई बहू बेटी। हम तो भरण पोषण और सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हम तो निकल पड़ते हैं, लेकिन इस घर की दीवारों की सुरक्षा वो अपने हाथों से करती है, घर की चौखट को अपने आंचल से बुहारती है, ताकि जब भी हम घर पर लौटे तो हमारा घर आबाद मिले। इसलिए ये शौर्य गाथा सिर्फ मेरी कैसे हो सकती है, ये तो काशीबाई जैसी उन तमाम स्त्रियों की है। इसीलिए इस घर को आबाद और खुशहाल बनाने के लिए शुक्रिया, ये ना होती तो हम जिंदगी की कोई भी लड़ाई जीत नहीं पाते। और ये देख रहे हैं आप, ये काशीबाई ने बनाया है। बाजीराव की युद्ध की गिनती और हिसाब चाहे पूरी दुनिया भूल जाए, लेकिन काशी कभी नहीं भूल सकती। ये मेरे तमाम युद्धों का इतिहास है। अगर आने वाला कल बाजीराव को याद रखेगा तो केवल काशीबाई की वजह से, लेकिन काशीबाई और उनकी जैसी तमाम स्त्रियां जिन्होंने इस राष्ट्र के उद्धार के लिए अपना समर्पण किया है, अपना त्याग किया है, अपना बलिदान दिया है, वो भुला दी जाएंगी।
तो आओ हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं कि अपने पत्नियों को समय की धूल के साथ मिटने नहीं देंगे, उनका भी इतिहास लिखेंगे, उनके योगदानों को सराहेंगे, उनका सम्मान करेंगे। इस राष्ट्र को मातृभूमि कहा गया है क्योंकि यहां जन्मी वो मर जाएगा। नहीं छोड़ो, छोड़ो इसे रणवीर, नहीं छोड़ूंगा। बस कर यार, ढूंढ निकल रहा मेरे, ढूंढ निकल रहे थे तेरा सारा गंदा खून, आज ही निकल जाना चाहिए। सिट पैसे लेने जा रहा हूँ भाई, मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। अरे तू क्या करेगा, मैं चलता हूँ ना मैं आपके साथ भाई। अच्छा चल आ जा, आलिया मैडम को सिखा के आते हैं कि धमकी कैसे दी जाती है। अब बात है भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, चल पैसे लेके आ। चला छोड़ दो उसे। मर जाएगा वो। जिसके बारे में तू इतनी बकवास कर रहा था ना, उस लड़की की वजह से यार तू जिंदा है। रणबीर तुम्हारा गुस्सा उतर गया हो तो हम सच सुन ले, जिसके लिए सेठ यहाँ आया है। सच क्या है? सच वो है जो मैं कह रहा हूँ। जस्ट इग्नोर हिम सेठ, तुम बस वो बोलो जो तुमने अभी कन्फेस किया है, क्योंकि सच अब सबके सामने आ गया है, तो इस सच का एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वरना कॉम्प्लिकेशंस और हो जाएंगी। और याद रखना जो मैंने तुझे बोला था, अगर तूने कुछ भी गलत बोला ना सेठ, तो तू यहाँ से सीधा वापस नहीं जाएगा। रणबीर ऐसे उसे डराओ मत, वरना हमें लगेगा कि तुम सच जानते हो लेकिन सेठ को बोलने नहीं दे रहे हो। सो प्लीज सेठ तुम बोलो। जो कुछ भी हुआ उसमें प्राची की कोई गलती नहीं। दो महीने पहले मुझे प्राची को बहुत बुरा लगा था जब आप सबने हम पे एलिगेशन लगाया था कि हमारा अफेयर है। सेठ, लाओ मुझे दो, मैं लगाती। तुम नहीं लगा पाओगी, तुम्हारे हाथ के पीछे लगाया ना, हाथ दिखाओ। अरे मैं लगा लूं। मुंह बंद रखो अपना। माहिया सजदा, सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा,
आज मैं सब कुछ हार गया डैड, जीने की उम्मीद। जिंदगी जीने का मकसद, प्यार, दोस्ती, मेरा बच्चा, मैंने सब कुछ खो दिया डैड। हाँ डैड, आपका पोता जिंदा था, आपकी बहू मीत पूरे एक साल से इस बारे में जानती थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड। उसने बात छुपा कर रखी, मुझे धोखे में रखा। उसकी हजारों बेवकूफियों और नादानियों को मैंने हमेशा अनदेखा किया और ऐसी कई गलतियों को मैं माफ करता रहता डैड, लेकिन उसने ना सिर्फ मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया बल्कि एक भी बार मेरे बच्चे को मुझे सीने से लगाने नहीं दिया, महसूस करने नहीं दिया कि मेरा बच्चा मेरी बाहों में मुझे कैसे महसूस होता। एक बार भी उसको हाथ तक नहीं लगाने दिया डैड। और ये बात डैड, ये बात ना मैं भूलूंगा और इस बात के लिए ना मैं कभी उसे माफ करूंगा डैड। ये मत कहिएगा कि नीत से गलती हुई है जाने दे। ये गलती नहीं डैड, ये गुनाह है, गुनाह। और जानबूझकर जबरदस्ती किया हुआ गुनाह की कोई माफी नहीं होती डैड। इसलिए आज एक फैसला मैं लेने जा रहा हूँ। हो सकता है डैड जब आप उठेंगे और मेरा ये फैसला सुनेंगे तो आप मुझसे बहुत नाराज होंगे। हो सकता है डैड इस फैसले को सुनने के बाद आप मुझसे कभी बात ही ना करें, लेकिन मुझे मीत को माफ करने के लिए मत कहिएगा। मैं मीत को माफ नहीं करूंगा, बल्कि अगर किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बितानी पड़े, पूरी जिंदगी निभानी पड़े, जिसके साथ मैं रहना भी नहीं चाहता, मैं उसके साथ रहूंगा डैड। लेकिन मीत को माफ नहीं करूंगा, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया डैड। उठिए ना डैड, उठिए ना, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज उठिए ना। उठकर मेरे कंधे पर हाथ रखिए। बड़ों की इज्जत नहीं करना सिखाया डैड ने, और इतने वार्निंग, मैं अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। एक कल तक तो बाप को बाप नहीं कहता था, आज बाप पे इतना प्यार, रस्सी जल गई, लेकिन बल तो देखो कैसे दिख रहे हैं। प्रमोद जी, अभिषेक जी, क्या हमें इसलिए यहाँ बुलाया है कि हमारी तोहीन हो? समझे जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, रिश्ता मत तोड़िएगा। अरे अग्रवाल साहब, इनके हाथ से अभी भी सत्ता गई है, लेकिन हेगड़ी नहीं गई है। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारी माफी का मैं क्या करूंगा? जब तक सिद्धार्थ आदित्य से माफी नहीं मांग लेता, ये रिश्ता पक्का नहीं होगा। सिद्धार्थ, माफी मांग लो बेटा, माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाओगे। बेटा, जब गलती हो गई है तो माफी मांग लो। मेरी बेटी की शादी फिर से तुम्हारे कारण टूटेगी सिद्धार्थ। माफी मैं नहीं मांगूंगा, माफी ये मांगेगा मेरे पापा से। घटिया लोग और घटिया हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जय गोपाल, चमत्कारी हो गया। उस समय ही सही बरात सिद्धार्थ जी ने बड़े बाबूजी का पक्ष लिया। ये तो परिवार के एक होने की शुरुआत है। इससे माफी मांगने से अच्छा है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। सिद्धार्थ जी, मेरी बात तो सुनिए आप। सिद्धार्थ जी, क्या सुनूं? अब प्लीज ये मत बोलना कि मेरा गुस्सा गलत है। आदित्य ने हद पार कर दी, दादू के बड़े बेटे के साथ बदतमीजी। ने कब कहा कि आपका गुस्सा गलत है? उल्टा गुस्सा नहीं आता तो गलत होता। एक मिनट रुकिए बस, ये लीजिए, पहले तो आप दो घूट पानी पीजिए। लीजिए, दादू के पोते, आपने जो भी किया मिठाई उसमें सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, बल्कि इस बात से खुश भी है कि आपने बड़े भाऊजी के अपमान का विरोध किया। ये साफ हो गया कि आपको बड़े भाऊजी के मान सम्मान से फर्क पड़ता है। समझने की बात तो ये है कि अग्रवाल जी और उनका बेटा जो भी तमाशा खड़ा कर रहे हैं उसकी वजह क्या है,
उनकी चाल को गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से समझना होगा सिद्धार्थ जी। अब तक मैंने सोचा हमारे और आपके परिवार के बीच सिर्फ कंपटीशन है। अब आपकी बारी है मोहन जी, आप भी हम पर भरोसा कीजिए। मोहन जी आपको आज तक यही पछतावा है ना कि आपको तुलसी जी को बचाने का एक भी मौका नहीं मिला। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है राधा, पर जो ये लोग बोल रहे हैं हमारे पास, गुनगुन के पास मोहन जी हैं। अब सब आपके हाथ में है मोहन जी, हमारे और गुनगुन की जीवन की तो अब आपके हाथ में है। और हम जानते हैं कि आप हमें मरने नहीं देंगे। हमारे भगवान, हमारे मोहन जी हमारे साथ हैं। कुछ नहीं होगा राधा को, जब तक मोहन है ना, राधा और गुनगुन दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम बस गुनगुन को बाहर निकालना, मैं तुम्हारे साथ हूं राधा। सर अभी क्या कर रहे हैं सर? राधा अपनी जान और अपना विश्वास दोनों मेरे हाथों में देकर गई है, ये उसके विश्वास का इम्तिहान है और उसके विश्वास की जीत होगी। राधा मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं राधा, बस गुनगुन को निकालना और गुनगुन तुम डरना मत, राधा मोहन तुम्हारे साथ है। गुनगुन मेरी बेटी ने अपना पूरा जीवन खतरे में डाल दिया है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। वो वैसे भी राधा और मोहन नाम का प्रताप ही कुछ ऐसा है कि साक्षात यमराज भी उसके आड़े नहीं आ सकते मोहन जी। निशा ओके सॉरी सॉरी सॉरी, अब पक्का कृष्णा ये लड्डू मत खाइए। क्यों क्या हुआ भाभी? मैं बताती हूँ आप आइए। पर हुआ क्या? आइए मेरे साथ कृष्णा। कृष्णा आप जब वो लड्डू खाने वाले थे उसमें जय माँ के कहने पे मम्मी जी ने शहर मिला दिया था, ये सब मिले हुए कृष्णा। क्या बात है भाभी, आपने कृष्णा को वो लड्डू भी नहीं खाने दिया? क्योंकि उसमें आपकी माँ ने हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए जहर मिलाया है। ये क्या कह रही हैं आप? आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। आपके और जयमा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था तो फिर आप उन पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? क्योंकि हमने इनकी बेटी के बारे में पुलिस को बता दिया। महल में जो धमाका हुआ था उसके पीछे भाभी का कहा था, हमने ये बोल दिया पुलिस को और आज हम चुप नहीं बैठेंगे देवराज सर, हम सच बोल के रहेंगे। और सच यही है कि भाभी का जया माँ की असली बेटी है। कृष्णा जो मन में आ रहा है बोले जा रही आप? देव हमने आपसे कहा था हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए इस महल से। देखा क्या कह रही है आपकी बीवी? आज कितने घिनौने इल्जाम लगा रही है हम पे, ये कह रही कि भामिका हमारी बेटी है और यही नहीं आज तो उसने हमें कातिल बना दिया। देवराज हम आपके सर की कसम खा के कहते हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं जयमा आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है।
खुद से ज्यादा भरोसा, और चाहे कोई कुछ भी कहे मेरा ये भरोसा नहीं टूटेगा, समझी? हम आपकी पत्नी है, आपके होने वाले बच्चे की माँ, प्लीज हमारी बात मान लीजिए, हमारे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए मान लीजिए बात प्लीज। हम सच कह रहे जैव, हम एक नंबर की झूठी है। अगर झूठ और धोखेबाजी की कोई सूरत होती ना, वो जैव जैसी बस। तंग आ गया मैं आपकी ये बातें सुनकर। आज आर या पार का फैसला हो जाएगा कृष्ण। मैं जो वहां पर लगा झूठा इल्जाम साबित करके रहूंगा। प्लीज हमारी बात सुनिए प्लीज। आपको ये लगता है ना कि इन लड्डों में जहर है तो ठीक है, क्या आपने क्या किया था? देखा कुछ नहीं हुआ मुझे। आप तो क्या, अगर भगवान भी मुझसे आके ये कहे ना कि जया मैंने ये सब कुछ किया तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा कृष्ण। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।